हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। इस साल Xiaomi से लेकर Oppo तक सभी बड़ी कंपनियां अपने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। दरअसल हाल ही में Vivo ने अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y79 लॉन्च कर दिया है। इस नए फोन के कई फीचर Vivo V7 से मिलते हैं जो इसी साल सितंबर में लॉन्च हुआ था। तो हम आपको बताते हैं इन दोनों फोन में क्या अंतर है। सोर्स: नए Vivo Y79 और Vivo V7 Plus में जो अंतर है वो है प्रोसेसर का है। Vivo Y79 में Snapdragon 625SoC दिया गया है, जबकि Vivo V7 Plus में Snapdragon 450SoC दिया गया। Vivo Y79 ने इस फोन में 6 इंच की फुल स्क्रीन ली हुई है। इसका रेजोल्यूशन 1440x720 पिक्सल का है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। इसके डिस्प्ले के साइड्स में कोई बेजल नहीं दिए गए हैं, जबकि ऊपर और नीचे की ओर भी कम बेजल है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 2.0 GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। इस फोन के कैमरे में यह f/2.0 और 1.78 इंच सेंसर के साथ आएगा। इसके साथ ही इसमें मूनलाइट ग्लो सॉफ्ट सेल्फी लाइट भी दी है। कैमरा के अच्छे होने का फायदा है कि इसका फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड और फेस ब्यूटी 7.0 के साथ सेल्फी को और बेहतर बनाता है। इस स्मार्टफोन में की बैटरी दी गई है। ये फोन एंड्रॉइड 7.19 पर काम करता है।